लाइव है तस्वीरें और मुड़क पहुंचे हैं, कुछ विशेष है, कुछ बताना चाहेंगे। इस समय एशियल लैब है, वहाँ क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। फुल बॉडी चेकअप की बात करेंगे जो कि आपको आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो आप समय बचाते हुए हमारे साथ चलिएगा। पैथोलॉजी लेबोरेटरी है और हर प्रकार का जो टेस्ट है वो यहाँ होता है। हम बताएंगे आपको कौन कौन से टेस्ट यहाँ होते हैं, कैसे कैसे आपको फ़ायदा यहाँ हो सकता है। और एंट्रेंस करते ही जैसे हम एंट्री करते हैं तो ऐसी लैब आपने बड़े बड़े शहरों में देखी होगी, लेकिन एक गांव है मुनक, मुनक में हम पहुंचे हैं। आप लोगों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को 3 से 4 दिन का समय देने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ चंद मिनटों में जो है आपके पूरे फुल बॉडी चेकअप के सारे टेस्ट कुछ ही क्षणों में मिल जाते हैं। आप यहाँ जैसे आते हैं आपका नाम पता जो आपका सारा वो लिखा जाता है, यहाँ स्टार्टिंग में क्या एंट्री करते हैं? यस सर जी, हाँ जी, हम यहाँ पर पहले जो हमारे पेशेंट आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसको कलेक्शन सेंटर में भेजते हैं, वहाँ से उनका ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको टेस्टिंग एरिया में भेज कर उसका टेस्ट करते हैं जी। देखिए फिर बताना चाहूँगा, दिल्ली आपको जाने की जरूरत नहीं, बड़े शहरों में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके बहुत समीप आपके बहुत निकट गांव मुनक है और यहाँ आप अपना जो फुल बॉडी चेकअप वो करवा सकते हैं। और अंदर वो मशीनें लगी हुई हैं जो आपको बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महानगरों में जो है दिखाई देती है। नाम है ACL, नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ लैब इंचार्ज हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और उनका सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मैं पंकज गुप्ता, ACL डायग्नोस्टिक से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। हम यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप को मात्र सिर्फ आपको 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं उसकी। और हमारी जो टेस्टिंग है वो ये नहीं है कि हम फुली ऑटोमेटिक मशीन पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर हमारी मशीन में हमें कोई किसी पेशेंट के ऊपर डाउट होता है कि उसकी रिपोर्ट में कोई फॉल्ट हमें लग रहा है तो हमारे पास मैडम डॉक्टर राधिका अग्रवाल जी पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वो उनको मैनुअल चेकअप करके देखती हैं कि उसमें रिपोर्ट में कहाँ पे क्या फॉल्ट आया हुआ है, उसके बाद ही हम उसको वेरीफाई करके फिर आगे रिपोर्ट को पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोई भी फॉल्ट हमें ना लगे। एक बार आप मैडम से मिलिए। तो सबसे पहले मैडम जी से बातचीत करेंगे, आइएगा जरा, आइए विकास। नमस्कार, तो राधिका जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या खास है ACL में वो बताइएगा और यहाँ क्यों विश्वास करें। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लैब टेक्नीशियंस द्वारा नहीं चलाई जा रही है, यहाँ पे फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है। कोई भी अगर हमें क्लिनिकल कंडीशन से कोई भी अगर टेस्ट रिजल्ट्स कोरिलेट नहीं करते हैं तो हम उनको टेस्ट दोबारा करते हैं, अगर दोबारा भी मशीन अच्छे से रिजल्ट्स नहीं दे रही तो हम उनको मैनुअली चेक करते हैं। तो एक स्टेज लेवल प्रोसीजर होता है, हम ऐसे ही जस्ट एक जैसे कॉर्पोरेट लैब रन करती हैं उस तरह से नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है अपनी रिपोर्ट से, वो आके दोबारा आता भी है हमारे पास, हम उसको रिजल्ट्स एक्सप्लेन भी करते हैं, तो हर तरह से एक फ्रेंडली काम हो रहा है, कस्टमर फ्रेंडली काम हो रहा है। तो मार्केट में जब भी आप कभी जाते हैं तो टेस्ट किसी और का करवाया जाता है, इलाज किसी और चीज़ का किया जाता है, लोगों को नहीं पता लग जाता कि उनको हुआ क्या है, तो यहाँ एक विश्वास करने के लायक है क्योंकि इतना एक फाउंडेशन हमने आपको दिखाई, मशीनें बड़ी बड़ी हैं, तो विश्वास क्यों करें? विश्वास इसलिए करें क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट लगा के रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम टेस्ट लगा के उस रिपोर्ट को वेरीफाई भी कर रहे हैं। एक एक टेस्ट चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, दैट इज़ वेरीफाइड बाय अ क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट। आई एम MBBS MD DNB, सो आई हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस टू वेरीफाई ऑल द रिपोर्ट्स। तो मैं पहले रिपोर्ट्स वेरीफाई करती हूँ, उसके बाद ही पेशेंट तक आगे पहुँचती है, हम बस टेस्ट लगाए और पेशेंट को रिपोर्ट नहीं देते हैं। जब भी कभी फुल बॉडी चेकअप के लिए कोई आदमी आएगा तो उसके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या ज़्यादातर कमियाँ मिलती हैं, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, तो क्या सामने आता है? और अलग अलग उम्र है सभी की, युवा भी आते हैं बुजुर्ग भी आते हैं, लेकिन मार्केट में देखिए हम ये नहीं कहते, मार्केट में एक तरह की दुकानें खुली हुई हैं, ये मानते हैं आप? तो हाँ जी मानती हूँ, लेकिन हाँ इस दुकान वाला जो आप कह रहे हैं इसके पीछे पेशेंट्स को नहीं जाना चाहिए। पेशेंट को देखना चाहिए कि मैं जहाँ टेस्ट करवा रहा हूँ मैं एक बार लैब अंदर से देखूँ तो सही, अंदर जाके मशीनें लगी हैं, डॉक्टर बैठे हैं, टेक्नीशियंस बैठे हैं क्वालिफाइड, तो सब कुछ पहले देख के उसके बाद ही पेशेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या इस लैब से अपना करवाना चाहिए कि नहीं। आप एक बात बताइए, जब पेशेंट को कोई बीमारी होती है अच्छे से अच्छा डॉक्टर चुनता है, अच्छे से अच्छा पीडियाट्रिशियन चुनता है, अच्छे से अच्छा गायनी का डॉक्टर चुनता है, तो
अच्छी से अच्छी लैब क्यों नहीं चलते, अच्छे से अच्छे लैब का डॉक्टर क्यों नहीं चलते, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से इलाज होता है। हाँ, जब तक जो अगर टेस्ट में जो रिपोर्ट आएगी उसी बेसिस पे उसको आगे ट्रीटमेंट मिलना है। अगर हम रिपोर्ट ही गलत दे देंगे तो ट्रीटमेंट गलत, ट्रीटमेंट गलत तो सब कुछ गलत। 5 तारीख को यहाँ एक कैंप लगाया गया है, तो कैंप में क्या क्या विशेष मिलेगा, कितनी छूट जो उनको मिलेगी? कैंप के बारे में आपको पंकज जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नमस्ते जी। तो देखिए, आप जब भी कभी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सी लैब मिलती है, तो चले पंकज जी अंदर दिखाएंगे कहाँ आपका जो टेस्ट है। और ये देखिएगा, सबसे पहले वहाँ नाम लिखने के बाद यहाँ आपका एक टेस्ट लिया जाता है। दिखाइएगा विशाल, यहाँ टेस्ट लेने के बाद ये लैब के अंदर जाएगा और कुछ मिनटों में पूरा जो टेस्ट है वो यहाँ लिया जाता है। और उस टेस्ट के बाद ये है ACL, जी हाँ ये दिखाइएगा ACL, ये है ACL जो आपके विश्वास पर जो है खरा उतरते हैं। और टेस्ट लेने के बाद पंकज जी चलिएगा अंदर दिखाइएगा यहाँ से। जी एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, हमारा जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद हमारा एक टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म हम पेशेंट से लेते हैं। यस। ताकि हम पेशेंट से उसकी अनुमति लेते हैं कि हमने आपका सैंपल निकाल लिया है, उसको बताया भी जाता है बकायदा कि आपके ये टेस्ट हैं और आपका किस किस वायल के अंदर हमने सैंपल लिया है। ये नहीं है, क्योंकि आजकल जो लैब खुली हुई हैं उनका यही फंडा है, उनको नए नए उनके अंदर टेक्नीशियन आए हुए हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमने लैब सैंपल ले लिया वो कौन सी वायल में डलेगा, कहाँ से क्या उसमें टेस्टिंग होती है। हम उसके बाद पेशेंट से उसका सिग्नेचर लेके उससे उसकी परमिशन लेते हैं, उसके बाद ये हमारा TRF फॉर्म हमारे कलेक्शन एरिया में आता है। कलेक्शन एरिया में हमारा जो कलेक्शन बॉय है वो यहाँ से सैंपल लेगा, सैंपल लेने के बाद हमारा जो बार कोडिंग सिस्टम है यहाँ पे टोटली, कई बार क्या होता है सैंपल मिसमैच होते हैं, हमारा बार कोड लेवल लगता है सैंपल के अंदर, वो वहाँ पे सारा का सारा स्कैन होता है हमारा टेस्टिंग एरिया में। अब हम आपको टेस्टिंग एरिया में लेके चलते हैं। ये है टेस्टिंग एरिया और पूरा जो स्टाफ है वो आपको यहाँ नजर आएगा और किस तरीके से यहाँ टेस्ट किए जाते हैं। इतनी बड़ी लैब आपने महानगरों में देखी होगी, बड़े शहरों में देखी होगी, छोटे से गांव मुनक में आपके असंध के आसपास के एरिया में इतनी बड़ी लैब आपने कभी नहीं देखी होगी। और सिर्फ एक नाम है ACL जो कि आप फुल बॉडी चेकअप जो है वो बताता है। और सर क्या क्या खास बात है, किस तरीके से उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं कि क्या कमियां हैं, कैसे विश्वास करें, उनकी दवाइयां कौन बताता है? जैसे ही हमारा ये TRF फॉर्म हमें यहाँ पे रिसीव होता है जी, रिसीव होने के बाद यहाँ पे जो भी अवेलेबल है टेक्नीशियन हमारा वो यहाँ पे उस सैंपल को मैच करेगा, दिस इज सैंपल आईडी, इस सैंपल आईडी से वो उसको मैच करेगा, कभी गलती ना हो सैंपल किसी का है मैच नहीं हुआ हो, सैंपल आईडी उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही हम उसको टेस्टिंग प्रोसेस के लिए लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ हमने सैंपल ले लिया, उसके बाद उसको यहाँ से भी हम ऑपरेशन में अपने चेक करेंगे कि उस बंदे का हमने टेस्ट क्या क्या लगाना है यहाँ पे। सैंपल हम बारकोडेड भी चेक करते हैं और सेकेंड उसका टेस्टिंग वहाँ से भी चेक करते हैं कि हमने क्या क्या उसमें टेस्ट लगाने हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले ये हमारा सेंट्रीफ्यूज है, ये अवेलेबल शायद ही मुझे लगता है मेरे आसपास के शहरों में कहीं अवेलेबल होगा जी। ये हमारा दिल्ली लेवल का जो सेंट्रीफ्यूज है, हमारा जो सैंपल टेस्टिंग प्रोसेस होता है उसके लिए हमें 3 तरह के सैंपल का सीरम प्लाज्मा और यूरिन का जैसे अलग अलग सेंटिमेंटेशन हमें चाहिए होता है, उसकी ये पूरी प्रोसेस होती है कि उसको कितने RPM चाहिए, कितना क्या चाहिए, हाँ वो सारा का सारा इसके अंदर हमारा कैरी होता है। उसके बाद जो भी उसका सैंपल टेस्टिंग होता है, ये हमारा यूरिन कल्चर, जैसे हम कल्चर करवाते हैं किसी भी चीज़ के, ये हमारा यूरिन कल्चर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये है। उसके बाद हमारा ये हमारा यूरिन का मशीन है, यूरिन के अंदर हमारे हम लगभग 18 तरह के पैरामीटर कवर करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर मतलब मेनली तौर पे अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो आजकल डॉक्टर दवाई दे देते हैं, ठीक है आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा, उसको UTI इन्फेक्शन होता है वो सारे के सारे हम इसके अंदर चेक करते हैं। इसके अंदर चेक करने के बाद उनका यूरिन जो स्लाइड बनता है वो मैडम हमारी पैथोलॉजिस्ट है वो उसको वेरीफाई करती है स्लाइड को, जो भी उसके अंदर उसकी रिपोर्ट्स होती हैं फिर वो मैडम वहीं से लैपटॉप से वेरीफाई करके, हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, टोटली हमारा सॉफ्टवेयर पे चलता है। कब किस चीज़ का जो है टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद उस टेस्ट को किया जाता है। ये नहीं है कि आई सुई भरी और आपका टेस्ट आपके हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात होती है मिसमैच होना। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष 1-2 दिन की ये साल की मैं बात करूँ,
तो लोगों का टेस्ट कुछ और था, रिपोर्ट कुछ और मिली, ऐसा हुआ सर? बहुत ये बहुत बार होता है, ये सैंपल मिसमैचिंग का जो फंडा है ये बहुत बार होता है, क्योंकि आज से जो पहले क्या होता था, अभी भी होता है वो, कि हम फुल बॉडी चेकअप के लिए अपना सैंपल दे देते हैं किसी लैब को, वो कहते हैं आपकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। हालांकि उसमें क्या होता है, मोस्टली 3 दिन के अंदर तो सैंपल खराब ही हो जाता है, 3 दिन तो सैंपल स्टेबल रह ही नहीं सकता। सेकेंडरी क्या है, हमने उसी चीज़ को देखते हुए मुनक के अंदर इतना बड़ा सेटअप लगाया है कि लोगों को समय रहते उनकी रिपोर्ट मिल जाए और समय रहते उनका ट्रीटमेंट हो जाए। हमारी जो टोटली जो प्रोसेस होती है, कितना भी बड़ा हमारे पास टेस्ट आ जाए, हमारे यहाँ पे कैंसर तक के टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी हम 18 तरह के हमारे पास कैंसर के टेस्ट। एक भाई ने लिखा हुआ है, कुछ फ्री नहीं है, जिस दिन आपका कैंप उस दिन क्या क्या फ्री है उसको बताओ। हाँ, उस टाइम हमारा 5 फरवरी को मेडलाइन हॉस्पिटल है करनाल, उनके सहयोग से हम यहाँ पे एक कैंप आयोजित कर रहे हैं। उसमें हमारे डॉक्टर ऑर्थो हैं, जो हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग के जो डॉक्टर हैं, वो आपको अवेलेबल रहेंगे परामर्श के लिए, और जो मेडिसिन विभाग से संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे 5 तारीख को, दिन 5 फरवरी दिन रविवार को। और उसमें हमारी तरफ से क्या है, उसमें हम ECG, शुगर, BP और यूरिक एसिड जैसी जो जाँच है, उसमें आपका HB भी है, ये सारी जांच हम उसमें फ्री करेंगे। और जितने भी उससे बड़े लेवल के टेस्ट होंगे उनको हम 50% आपको छूट देंगे उन टेस्टों पे, ताकि आप कैंप का अच्छे से लाभ ले सकें और समय रहते अपनी बीमारियों के बारे में जान सकें और आपका समय रहते इलाज हो सके। भाई, ना आपको दिल्ली की जाने की जरूरत, ना आपके टेस्टों को दिल्ली जाने की जरूरत है, सही? जी बिल्कुल। और 40-50 किलोमीटर तक का एरिया, असंध, मुनक, गरुंडा, आसपास का सारा एरिया, या आप डायरेक्ट यदि कोई पेशेंट है आपको घर बैठे फोन करे कि मुझे फुल बॉडी चेकअप करवाना है, तो आपकी टीम का सदस्य है, कितने बजे मतलब वहाँ पहुँचेगा? जी हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हमारे पास किसी की कॉल आती है या हमारी वेबसाइट से हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार पेशेंट को दोबारा से हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, पेशेंट के पास कॉल करके हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी कि हमारे सैंपल जो उसका टेस्ट है वो क्या उसने करवाना है, उसको अच्छे से कंसल्ट भी किया जाएगा। ये नहीं है कि उसने ऑनलाइन अपने आप बुक कर लिया, उसको उसके बाद भी हम कंसल्ट करते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हमारी टीम का कोई भी मेंबर, हमारे पास 8 टेक्नीशियन है जो फील्ड में काम करते हैं, वो 30 मिनट के अंदर अंदर एरिया हमारा 25 किलोमीटर ऑन हमारा जो है राउंड, 30 मिनट के अंदर हम अगले के घर पे सैंपल लेने हमारी टीम का कोई भी सदस्य पहुंच जाता है। और उसका कितना भी बड़ा कोई टेस्ट हो, हम उसको लगभग जितना भी सेंटर अपना NABL का जो टेस्ट अराउंड टाइम लगता है उसके अंदर अंदर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम समय में आपको अपने घर बैठे आपकी बॉडी चेकअप का फुल जो रिपोर्ट है वो मिल सकती है। आप मार्केट में जाते हैं और उन डॉक्टरों के पास जाते हैं जो आप, भाई फिर दिमाग में घुस जाता है मैं वहाँ पीछे बैठ जाऊँगा तो बहुत कुछ है, वहाँ बहुत कुछ है, उसके अंदर का यदि उखाड़ने लग जाए तो बहुत कुछ जमेला है। यहाँ पहले आए, आधा घंटा पहले पहुँचे, सारा सिस्टम देखा है, कहीं विश्वास हुआ है तो ही जो है विज्ञापन कर रहे हैं, अन्यथा हम इनको मना कर देते। जो डॉक्टरों के कुछ ऐसे डॉक्टर जिनकी वजह से लोग हमारे बीच में से निकल करके चले जाते हैं कुछ दिनों पहले, अब फिर नाम बताऊंगा तो समस्या हो जाएगी, तो यदि नाम बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई एम्बुलेंस के लिए एक आदमी को हार्ट अटैक होता है, एम्बुलेंस पौने घंटे में पहुंचती है, पौना घंटा किसको कहते हैं, हार्ट अटैक होने के बाद पौना घंटा, डॉक्टर साहब ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या है कि लोग अपनी सेहत के प्रति अभी जागरूक नहीं है। हम उसमें क्या करते हैं कि 30 मिनट में अगले के घर पहुँचते हैं, अगर किसी को कोई भी रेयर कंडीशन है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से हम उसको इमरजेंसी वेरीफाई करते हैं। वो हमारे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, हमारी मशीनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें इमरजेंसी हमारा वो उस पर क्लिक हो जाता है कि वो इमरजेंसी है, उसको हम फर्स्ट पे रखते हैं और हमारी मशीन ने उसको ऑटोमेटिक ही उठाती है। अगर वो सैंपल 10वें रैंक पे भी रखा है तो पहले 10वें रैंक को ही उठाया जाता है, मशीन उसको उठाएगा और इमरजेंसी में सबसे पहले उसी की रिपोर्ट बना के दी जाती है जो रेयर केस होगा। बिल्कुल, देखिए आज समय ऐसा जरूर है कि आपको बगैर टेस्ट के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ से ले जहाँ से आपको विश्वास हो, ऐसे डॉक्टर से सलाह लें, मशवरा लें जो आपको अपनी जो दवाई है वो ठीक दे और जिससे आपको आराम भी हो। दवाइयाँ किसी चीज़ की, टेस्ट किसी चीज़ का, मतलब क्या क्या सोचते हैं आप लोग? मार्केट में बहुत कुछ है, ACL है, एक नाम है गांव
मुनक में पहुँचे, 20 से 25 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। आप जैसे ही फ़ोन करेंगे 20 से 25 मिनट में आपके पास जो टीम का सदस्य जाएगा वो आपका सैंपल लेकर के आएगा, आपको पूरी पूरा डायग्नोस जो है वो बताएगा कि किस तरीके से किस तरीके की जांच हमने की है और क्या उसके अंदर कमियां है, और 5 तारीख को कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं और क्या आपकी तरफ से जो है प्राथमिकताएँ होंगी। जी, 5 फरवरी रविवार को हमारा कैंप है जिसमें हमारा मेडलाइन हॉस्पिटल करनाल हमारा सहयोग कर रहा है उसमें, और सेकेंडरी उसमें ये रहेगा कि हमारा जितना भी आसपास के लगभग हम कोशिश करेंगे 10 से 15 गांवों को उसमें हम अपना जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट है उसको पहुंचाएंगे, लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके हमारे लिए वो प्रायोरिटी है। हम उसमें सबसे ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि कल को अगर हमारे हमारी उसमें कोई आता है कैंप में उसके साथ हम कल को कनेक्ट भी रहेंगे, ये नहीं है उसको कैंप में दवाइयाँ दी और उसको भेज दिया, उसके टेस्ट करे और उसको भेज दिया, ये काम हम नहीं करेंगे। कल को अगर उसको कोई दिक्कत भी होती है वो हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे से फ्री कंसल्ट भी कर सकता है। हमारे पास डॉक्टरों की टीम भी अवेलेबल है, मेडलाइन हॉस्पिटल हमारे से कनेक्ट है, हम उनके डॉक्टरों से भी कनेक्ट हैं, जैसे भी उनको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की दिक्कत होती है हम उनको हर तरह का कंसल्ट करने के लिए यहाँ पे 24 घंटे तैयार हैं। हमारी जो लैब है वो 24 घंटे ऑपरेशनल है। भाई ये विज्ञापन भी है और जानकारी भी है, आप यहाँ आ सकते हैं, विश्वास आपका है और हमने तो पूरा सिस्टम देख लिया। इतनी बड़ी लैब महानगरों में बड़े शहरों में जो है देखने को मिलती है, लेकिन बार बार यही कहेंगे बगैर टेस्ट के बगैर चेकअप के कोई दवाई ना लें, ऐसे डॉक्टरों पर विश्वास करें, इनके पास डॉक्टर भी हैं और पूरा परामर्श जो है दिया जाता है, कौन सा टेस्ट कब किया जाना चाहिए किस तरीके से किया जाता है वो आपने देखा, और अपने घर बैठे फुल बॉडी चेकअप आप यहाँ करवा सकते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमने इसके अंदर दे दिया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल भी दीजिएगा आप। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो 9607931000, और दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो है 9607239000। इस पर आप कभी भी कॉल कीजिए, ये 24 घंटे हमारे ऑपरेशन में रहते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है जैसे ही आपकी कॉल आएगी हम आपको कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट करने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पे हमारा जो भी हमारा कलेक्शन बॉय होगा वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक है भाई, बड़े तरीके से देखिए यहाँ ये मशीनें और अपने आप सारा काम करती हुई, क्योंकि कितना उसके अंदर पॉइंट डालना है कुछ मिलीग्राम ही होता होगा सर बिल्कुल, और उसको पूरे विश्वास के साथ जो है ये लोग आपको देते हैं ताकि भविष्य में आने वाले समय में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ट्रायंगुलोसाइट की बात करें, हार्ट की बहुत सी ऐसी बीमारियां, फुल बॉडी चेकअप और कितने विश्वास से जो है ये लोग करते हैं। तो दोस्तों एक बार मौका ज़रूर दें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर फ़ोन करें, 5 तारीख को जो है कैंप है उसके ऊपर जो है आपको काफ़ी कुछ जो है छूट मिलेगी, 50% डिस्काउंट भी है, कुछ टेस्ट फ्री भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।